वहीं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने दावा किया है कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस सरकार 130 से लेकर 140 सीट जीतकर सत्ता में लौट रही है, जबकि बीजेपी महज 60 से 70 सीट ही जीत पाएगी। बीवी श्रीनिवास ने ये बात न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत के दौरान कही, सुनिए। कांग्रेस कितनी सीटों पर जीतने की उम्मीद है आप? देखिए, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, बीजेपी 60-70 के सीट पे एक भी सीट नहीं जा रहा है। ये उनके सर्वे में भी उनको पता है वो दे आर गोइंग टू लूज। अमित शाह को पूछिए आप, साहब आपके सर्वे में आप लोग हार रहे हैं, क्या है इनके वहाँ लीडरशिप का भी इतना ये है, आपको पता है। मीन्स कांग्रेस को मैं नरेंद्र मोदी का जो बैठ देख रहा था, नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं अपने ही नेता रनआउट कराने लगा है। अरे मैं इनको कहना चाहता हूँ, इनका कोई प्लेयर ही नहीं है, प्लेयर इटिट होके वो बैठ के ऑल आउट हो चुका है, तो कहाँ से मौका मिलेगा इनको? हाँ, तो इनका साफ ये है, ये कोशिश कर रहा है, पांचों राज्यों में आ रहा है, एक राजस्थान में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, ये भगवान के नाम पे इन लोग ने राजनीति करने का कोशिश कर रहा है। इधर मैं ये एक बात बोलना चाहता हूँ, आप इतना धर्म की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में आज भी जो महाकाल मंदिर में 50% घोटाला हुआ है मूर्ति को लेके, उसको लेके क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ क्यों? उसमें परसेंट तो दिल्ली को भी मिल रहा है ना, जो वहां जो भी इनको पैसा आया है 50% सरकार कमीशन सरकार का, उसको भी मिला है, इसीलिए वो उनके पास बोलने को कुछ नहीं है। जो यहाँ काम हुआ है उसके आधार पे वोट मांग रहा है। अब महिला को साके जाके माइक पकड़वा दीजिए, पूछिए महिला यहाँ कांग्रेस सरकार से और गलेट जी के सरकार से कितना कुछ है, आपको पता चलेगा।